दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल कर सकते हो, यानी आप अपने सभी कॉल्स को फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो। आखिर ये फॉरवर्डिंग होता क्या है? दोस्तों अगर आपके पास दो फोन है, ठीक है, जैसे आप ये दो फोन देख सकते हो, मान लो कि इस वाले फोन पर जितने भी कॉल्स आते हैं हम चाहते हैं कि वो सभी कॉल्स इस वाले फोन पर आए, तो दोस्तों अब आप बहुत ही आसानी से इस वाले फोन के सभी कॉल्स को दूसरे वाले फोन पर भेज सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग कर सकते हो, अपने सभी आने वाले कॉल्स को आप दूसरे वाले फोन पर, दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है। वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये तीन फोन देख सकते हो। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने सभी कॉल्स को फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। यानी आपके पास जितने भी कॉल्स आते हैं आपके नंबर पर, आपके फोन पर, आप उसको दूसरे फोन पर, दूसरे नंबर पर कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो, कैसे भेज सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक कॉल करके दिखाता हूं। तो हमने एक कॉल कर दिया है, आप यहां पर देख सकते हो, हमने एक कॉल कर दिया है, इस वाले फोन पर कॉल आ चुका है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो कॉल आ चुका है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस पर जो भी कॉल आ रहे हैं, ठीक है, हम इसको फॉरवर्ड करेंगे इस वाले फोन पर, ओके। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं कि कैसे आप अपने इनकमिंग कॉल्स को फॉरवर्ड कर सकते हो, दूसरे नंबर पर कैसे भेज सकते हो, ठीक है। हम सबसे पहले आपको अपने फोन के डायलर में जाना है, ठीक है। आपको डायलर को ओपन करना है। डायलर को ओपन करने के बाद आपको टू डॉट पर टैप करना है, सेटिंग्स पर टैप करना है, ठीक है। सेटिंग्स को ओपन करना है। अब इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा करियर कॉल सेटिंग्स, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉल फॉरवर्डिंग का, आपको इस पर टैप करना है। आपको यहां पर दो ऑप्शन मिलेगा, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, ठीक है। आपको वॉइस कॉल पर टैप करना है। जब आप वॉइस कॉल पर टैप करोगे आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। अब आपको यहां पर फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑलवेज फॉरवर्ड, ठीक है। आपको इसको इनेबल करना है। जब आप इसको इनेबल करोगे, ठीक है, आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब आपको यहां पर वो नंबर डालना है जिस पर आप अपने कॉल्स को फॉरवर्ड करना चाहते हो, जिस पर आप कॉल को भेजना चाहते हो, ठीक है। दूसरे वाले फोन में जो भी नंबर लगाए आपको वो नंबर यहां पर डालना है, ठीक है। जैसे हमें इस पर फॉरवर्ड करना है, इस फोन में जो नंबर लगा है हमें यहां पर वो नंबर डालना है, ठीक है। तो हम नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने नंबर डाल दिया, ठीक है। नंबर डालने के बाद आपको ओके पर टैप करना है। जब आप ओके पर टैप करोगे ये जो ऑलवेज फॉरवर्ड का सेटिंग है ये ऑन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो ये सेटिंग ऑन हो चुका है, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सेटिंग को बंद कर देना है। अब दोस्तों जब भी आपके पास इस वाले नंबर पर, इस फोन पर कॉल आएगा, ठीक है, आपका सारा कॉल, जितने भी कॉल्स आपके पास आएंगे वो सब कॉल इस पर फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। जो नंबर आपने डाला है उस पर आपके कॉल चले जाएंगे। मैं आपको एक कॉल करके दिखाता हूं। तो हमने कॉल कर दिया, ठीक है, हमने एक कॉल कर दिया है। अब आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो नंबर हमने वही डायल किया, ठीक है। आप देख सकते हो वही नंबर डायल किया है जो इसमें लगा है, बट इसका जो कॉल है ये फॉरवर्ड हो चुका है इस पर। आप देख सकते हो इस पर कॉल आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह बहुत ही आसानी से अपने सभी कॉल्स को फॉरवर्ड कर सकते हो, दूसरे नंबर पर भेज सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये जो सेटिंग होती है ये सभी फोन में होता है, ठीक है। आप चाहे किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हो आपके फोन में ये सेटिंग जरूर होगा। आपको डायलर में जाना है, कॉल फॉरवर्डिंग को सर्च करना है, नंबर डालना है जिस पर आप फॉरवर्ड करना चाहते हो, ठीक है। नंबर डालकर आपको इनेबल कर देना है, आपके सारे कॉल्स फॉरवर्ड हो जाएंगे। दोस्तों जो सेटिंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे अपने फोन में तो हो सकता है कि आपके फोन में सेटिंग ना मिले, क्योंकि इस फोन में डायलर के अंदर कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग है, ठीक है। बट ये जो फोन है ये वन प्लस का फोन है, ठीक है, ये जो फोन है ये वन प्लस का फोन है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो इसमें हमें फोन के सेटिंग को ओपन करना पड़ता है,
फ़ोन के सेटिंग में जाना है। इसके बाद आपको मोबाइल नेटवर्क पर टैप करना है, नीचे कॉल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा करियर रिलेटेड सेटिंग्स, आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पर आपको कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप OnePlus के फ़ोन में इस तरह अपने सभी कॉल्स को फॉरवर्ड कर सकते हो। सेटिंग सभी फ़ोन में होता है, बस आपको उसको खोजना है, सर्च करना है। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से कॉल फॉरवर्डिंग अपने फ़ोन में इनेबल कर सकते हो। अगर आपको इसको डिसेबल करना है, आपको सेम उसी सेटिंग को ओपन करना है और कॉल फॉरवर्डिंग को डिसेबल कर देना है, ठीक है। जो सेटिंग आपने ऑन किया है उसको बंद कर देना है। दोस्तों आपके सारे कॉल्स आपके नंबर पर आपके फ़ोन पर आने लगेंगे। तो ये तरीका है कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल करने का, कॉल को फॉरवर्ड करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉन स्कूल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।